देखो, नेक्स्ट बुकलेट में से करेंगे। बुकलेट ओपन कर सकते हो प्लीज। पेज नंबर 106। देखो, नया चैप्टर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वैसे तो दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए और बहुत टाइम लग गया उन दो चैप्टर्स में, और कंटेंट भी आपने देख ही लिया कि कम तो नहीं था कम से कम। तो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इस यूनिट में, मैग्नेटिक के यूनिट में कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं। अभी दो हुए हैं, 3 पेंडिंग हैं। वो 3 पेंडिंग थोड़े से मतलब इजी हैं एज कंपेयर टू दो में तो खैर काफ़ी ठीक ठाक था उसमें मैथमेटिकल। उसमें थ्योरी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो अगर आप एनसीईआरटी की डिवीजन की बात करते हो तो 6 नंबर का पेपर इन दो चैप्टर में से आएगा। मैंने चैप्टर बोला मैग्नेटिक में, एक तो बायट सेवर्ट लॉ वाला और दूसरा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। 3 नंबर की डेरिवेशन और 3 नंबर का न्यूमेरिकल, इस टाइप से 6-7 नंबर तक आता है। और बाकी बचे हुए 3 चैप्टर में से कम नहीं तो 5 नंबर का और आ जाएगा। तो मतलब बराबर बराबर डिवाइडेड है एनसीईआरटी। तो अभी इसको हमने कंप्लीट कर लिया 50%। 50% अब कंप्लीट होगा, लेकिन आप कमाल की बात है को एक महीना लगा उन 6 नंबर को काम करने के लिए और 2 लेक्चर लगेंगे बाकी 6 नंबर को गेन करने के लिए। ठीक, तो मतलब एनसीईआरटी का रेशियो ऐसा है, कॉम्पिटिशन का रेशियो उल्टा है। कॉम्पिटिशन में पहले 2 चैप्टर जो है आपने देख ही लिया कितने सारे उसमें क्वेश्चन किए हमने, और बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं या 3 चैप्टर्स हैं उनमें से लेवल भी थोड़ा कम है और बहुत बेसिक है और जल्दी हो जाते हैं कवर। और जो तो नीट के स्टूडेंट्स हैं या पहले जो एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हैं वो तो सारा थॉरो करेंगे, उनको तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर मिलेगी मिलेगी। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको भी सारा करना पड़ेगा क्योंकि उनके पेपर में नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर यूनिट में से। एक तो फर्स्ट चैप्टर में से आएगा बायट सेवर्ट लॉ या उनमें से एम्पियर सर्किट लॉ में से, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, करंट ऑन चार्ज कैरिंग वायर, इनके ऊपर भी एक एक न्यूमेरिकल आएंगे। और जो बचे 3 चैप्टर हैं उनमें से भी उनको 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन उनको करने ही पड़ेंगे, तो फिर से इम्पोर्टेंट है। और जो मेन्स वाले हैं थोड़ा सा लक फैक्टर चलता है उनके उनमें क्योंकि अब कंप्यूटर सेलेक्ट कर रहा है। तो मैंने ना 5-6 सेट देखे पेपर्स के, किन्हीं में तो 2-2 क्वेश्चन इन 2 चैप्टर में से आए हुए हैं जो हमने किए, किन्हीं सेट में से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, और बाकी इन 3 चैप्टर में से जो करने जा रहे हैं 1 क्वेश्चन उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मालूम नहीं यार, और किसी सेट में तो आप मानोगे पहले 2 चैप्टर में से कुछ आया ही नहीं है जो अभी तक किया हमने 1 महीने में, इन्हीं में से आया जो करने जा रहे हैं 2 लेक्चर में से। पता नहीं आपके सेट में क्या आएगा। तो मेंस वालों को तो स्ट्रिक्टली कुछ भी नहीं छोड़ना, और प्रेडिक्ट तो कर ही नहीं सकते क्या होगा, सारा कुछ ही करना है। तो तीनों को देखो सारा कुछ करना है, मजे की बात तो ये है। तो तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो हम करने वाले हैं। ठीक, तो मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं लगाना बिल्कुल भी। और एनसीईआरटी में तो मैंने बता ही दिया कि क्या आना है, और अब जो बताने जा रहा हूँ अगले 2 चैप्टर में से उसमें तो पक्का ही 5-6 नंबर का पेपर आएगा ही आएगा, और सेप्टेम्बर के अंदर भी देखना आएगा। मैग्नेटिक डायपोल के अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कि अभी तक हमने B की वैल्यू को निकाला, बिल्कुल निकाला, पर हमने जो B निकाला वो ना करंट कैरिंग वायर की वजह से निकाला।
कि पैरेलल वायर्स हैं, सिंगल वायर है, और बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू हम करंट कैरिंग वायर से निकाल लेते हैं। और अब हम बी निकालेंगे, लेकिन करंट कैरिंग वायर की वजह से नहीं निकालेंगे, बार मैग्नेट की वजह से निकालेंगे। तो ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है? बार मैग्नेट्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर का बी हमने निकाला, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन बार मैग्नेट्स को कैसे यूज करना और कैसे बी निकालना है वो हमें नहीं मालूम, तो बार मैग्नेट्स पे ये चैप्टर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बार मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि अगर ये आपके पास एक बार है, मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके कितने पोल्स हैं? दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को जो है मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा अपने आसपास, ठीक, इसलिए इसका नाम है डायपोल, दो पोल, लेकिन ये मैग्नेट की वजह से है तो मैग्नेटिक डायपोल। मोनोपोल, सिंगल पोल मैग्नेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला नॉर्थ पोल कभी नहीं मिलेगा, अकेला साउथ कभी नहीं मिलेगा, पेयर में एक्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम है डायपोल, ठीक यहां तक। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें किया मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल था प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। इसके अंदर भी सेम है, मैग्नेटिक डायपोल का मतलब कि किसी भी मैग्नेट की एक पोल की स्ट्रेंथ है, जिसको छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? पोल स्ट्रेंथ। तो स्मॉल m का मतलब है पोल स्ट्रेंथ। तो अगर पोल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, ये कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है जो हमने पहले किया था, ये छोटा m है, छोटे m का मतलब पोल की स्ट्रेंथ है। अगर किसी मैग्नेट की पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मैग्नेट स्ट्रांग है, और अगर स्मॉल m वीक है तो मैग्नेट वीक है, ठीक है यहां तक। तो ये पोल की स्ट्रेंथ बताती है। तो जो काम इसमें प्लस करता है वो काम मैग्नेट में नॉर्थ करता है, माइनस साउथ करता है। जो काम इसमें चार्ज q करेगा वो काम इसमें पोल स्ट्रेंथ m करेगा, और q की जगह m, तो एक जैसी चीज चल रही है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये मैग्नेटिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ है वो 2a है, और मैग्नेटिक डायपोल की लेंथ 2l है, 2a और 2l। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रिक डायपोल का एक डायपोल मोमेंट है p वेक्टर, डायपोल मोमेंट इज p वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल का डायपोल मोमेंट इज कैपिटल m वेक्टर। तो जो काम इसमें p करेगा वो काम उसमें m करेगा। कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है यहां तक? तो p वेक्टर की जगह m वेक्टर। अच्छा बताओ p की वैल्यू कैसे निकलती थी? p की वैल्यू इज q इनटू 2a, और ऐसी m की वैल्यू कैसे निकलेगी कैपिटल m की? स्मॉल m इनटू कितना? 2l। तो सेम ही चल पड़ा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो q इनटू 2a, m इनटू 2l। दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, सेम चीज है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैग्नेटिक डायपोल बिल्कुल वैसी काम करेगा जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल करता था। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। दूसरा पॉइंट, ये लिखा हुआ है इसमें, बुकलेट में आएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई मैग्नेट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है? कि अगर आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, क्योंकि ज्योमेट्री की हेल्प से मेजर किया जा रहा है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेकिन रियलिटी में जो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ के, थोड़े से इनवर्ड होते हैं, और इस लेंथ को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ और दिस इज मैग्नेटिक लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होती है हमेशा। और क्या रिलेशन होता है? मैग्नेटिक लेंथ इज 6/7 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। वैसे हम अपने न्यूमेरिकल्स में ये लेंथ बराबर लेके चलेंगे, छोटी नहीं लेके चलते, पर वैसे रियलिटी में छोटी होती है। तो पहला पॉइंट है प्रॉपर्टीज मैग्नेट की, कि जब एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, जब एक मैग्नेट को धागे से टांग देते हैं, तो घूम के कहीं पे आके वो रुक जाती है। तो कहां रुकती है? जब उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ को पॉइंट करता है और साउथ अर्थ के साउथ को पॉइंट करता है। तो बेसिकली रूल ये है कि अर्थ है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और अर्थ का अगर बार मैग्नेट बनाया जाए तो अर्थ के बार मैग्नेट का साउथ ऊपर एग्जिस्ट करता है और नॉर्थ नीचे करता है। तो अर्थ का साउथ ऊपर है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक साउथ। अर्थ का नॉर्थ नीचे है, मैग्नेटिक
नॉर्थ, और ये क्या है, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफी का नॉर्थ साउथ है तो सही है ना। जब एक मैग्नेट को सस्पेंड किया धागे के साथ तो मैग्नेट का नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ कहां पॉइंट करता है, अपने मैग्नेट के साउथ की तरफ, लेकिन हम बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ को, हम ज्योग्राफी ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी सही जगह पे जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, दूसरी प्रॉपर्टी लेंथ की भी क्लियर है, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी में सपोज करो आपके पास दो चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू सेपरेटेड बाय आर, तो ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएंगे, कितनी, इतनी फोर्स लगाएंगे, ये आ गई वैल्यू। उसी तरीके से वो कहता है कि अगर आपके पास दो पोल्स हैं सेपरेटेड बाय आर, और आप कहोगे सर दो पोल्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पोल तो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता, पोल तो पेयर में होते हैं, तो इमेजिन कर लो जैसे एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ M1 है, क्योंकि मैग्नेट का रूल है पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है एक मैग्नेट में, और दूसरी मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ M2 एंड M2, और मान लो मैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो M1 M2 दो पोल्स हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आपस में कितनी फोर्स लगाएंगे, तो कूलम लॉ एप्लीकेबल है। कूलम लॉ क्या कहता है कि जो भी फोर्स है वो इनकी पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, तो यहां पर कांस्टेंट लगेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म ये स्टेप भी क्लियर है कि फोर्स की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर, दिस इज नोन एज कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है मैग्नेटिक पोल्स आएगा थर्ड पॉइंट में, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एग्जिस्ट इन पेयर्स नॉर्थ एंड साउथ, पोल्स आएगा निखिल, ठीक। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक मैग्नेट के आसपास एक ऐसी जगह जहां पर किसी पोल को रखा जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, अगर स्पेसिंग बराबर है तो फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर बराबर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है यहां तक कि है सेम। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल वैसी जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में इट इज अ पाथ कि स्ट्रेट या कर्व जिसके ऊपर एक पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स, ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की नहीं थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसेंट्रिक सर्कल क्लोज्ड पाथ बनाती रहती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी नहीं थी, तो क्लोज्ड पाथ है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर ये मैग्नेट है, और सोलेनोइड में भी किया था, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे तो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और उसी तरीके से नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट दो डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली सपोज अब आपके पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और लेंथ कितनी है 2L है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका हमें पता है m इंटू 2L। तो मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका निकलता है, वो कहता है जो भी सब्सटेंस मैग्नेटिक है और बी जनरेट करता है, इसका मतलब वो मैग्नेट है, तो इसका मतलब उसका मैग्नेटिक डायपोल अगर वो बी जनरेट कर रहा है तो वो मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल्स पक्का होंगे, जो चीज बी जनरेट करेगा उसके पोल्स पक्का होंगे, और एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ही होंगे नॉर्थ एंड साउथ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये बता ये मेरे पास करंट कैरिंग लूप है,
ये भी तो बी जनरेट करता है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा देख, फिंगर मैंने करंट के साथ घुमाई, थंब कैसे आया? ऊपर आ गया। थंब ऊपर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। उसने कहा हाँ ठीक है, करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यहाँ तक तो बी जनरेट। तो मैंने कहा ठीक है, इसके भी तो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं फिर, क्योंकि जो चीज़ बी जनरेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, यानी कि यहाँ पोल्स हैं, पर वायर के कौन से पोल्स हैं? तो उसने कहा कि आप ऐसा मन में अज्यूम करो, मन में करो। अब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब बी जनरेट करता है तो पोल्स तो देने ही पड़ेंगे, चाहे वो रियलिटी में हो या ना हो। तो आप ऐसा अज्यूम कर लो कि जिस डायरेक्शन पे, अगर मान लो करंट आपको कैसे दिख रहा है इसमें, इस तरीके से, या इस क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो अगर मुझे करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो जिस तरफ से करंट क्लॉकवाइज दिखता है, आप मान लें कि वहां पर पोल साउथ पोल है, सोलेनोइड में भी किया था, और जो एंड पर एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वहां पर नॉर्थ पोल है। तो ये रूल है, आपने इमेजिन करना है, जहां से भी करंट क्लॉकवाइज है वो साउथ है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अब इस केस में सेम रूल है, अगर आपको करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है तो नॉर्थ है, नीचे से क्लॉकवाइज नजर आता है तो साउथ है। मैंने कहा ठीक है, पोल्स की डिसीजन तो हो ही गया कि अब रियलिटी में पोल्स नहीं है, लेकिन वर्चुअली हम मान तो सकते ही हैं कि पोल्स कैसे डिसाइड करने हैं। फिर मैंने कहा एक बात बता कि मैग्नेट बी जनरेट करती है, मैग्नेट के पोल्स हैं, मेरी करंट कैरिंग वायर भी बी जनरेट करती है, इसके भी पोल्स हैं, तो जब तूने निकाल ही दिया कि कैपिटल एम क्या होता है, एम इंटू टू एल, तो फिर बता इसका भी तो कोई डायपोल मोमेंट होता होगा, क्योंकि इसके भी तो दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो मोनोपोल नहीं है, डायपोल है, तो डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट कैरिंग लूप में ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, नहीं करता। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करंट इंटू एरिया, जो हमने पहले भी यूज किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है यहां तक? तो याद रखना, अगर तो न्यूमेरिकल बार मैग्नेट पे आता है तो स्मॉल एम इंटू टू एल आंसर है, लेकिन अगर करंट कैरिंग वायर पे आता है तो करंट इंटू एरिया आंसर है। दोनों के दोनों क्या देंगे आपको? कैपिटल एम देंगे। कोई डाउट इसमें? तो आपने करंट कैरिंग वायर की पोल स्ट्रेंथ नहीं लेनी होती, क्योंकि करंट कैरिंग वायर की कोई पोल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है कि जिनकी स्ट्रेंथ हो, वो फिजिकल मैग्नेट्स की होती हैं। क्लियर है यहां तक? तो दो तरीके पता लग गए, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला एन टाइम्स हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, फॉर्मूला है, कुछ कर नहीं सकते, दोनों फॉर्मूलाज ही हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका m इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया, क्योंकि m i पे डिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंडेंट है, तो m इंटू के कॉन्स्टेंट है, i इंटू एरिया, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n टाइम्स हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है यहां तक। और वेक्टर फॉर्म में m वेक्टर इज i इंटू a वेक्टर, और m वेक्टर की डायरेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि जैसे b निकलता है, चार फिंगर्स करंट के साथ मूव करवाओ, तो b निकालने का तरीका भी यही था, कैपिटल m निकालने का तरीका भी यही है। तो करंट ऐसे घूम रहा है तो b भी ऊपर, कैपिटल m भी ऊपर, तो निकल जाएगी कैपिटल m की डायरेक्शन, करंट के साथ फिंगर्स को घुमाएंगे तो कैपिटल m आ जाएगा। ठीक। तो अब एक स्टूडेंट बोलता है कि ठीक है सर, समझ में आ गया। मैंने कहा क्या? कहता करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया। तो कहता फिर एक काम करते हैं, वो क्या, इस रिजल्ट को यूज करके आप एक न्यूक्लियस लो, ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो भी तो करंट में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और जो वो करंट में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो ऑब्वियसली वो करंट कैरिंग लूप की तरह काम करेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन के घूमते हुए मोशन की वजह से कैपिटल एम निकालो। जो आपने बता ही दिया कि करंट कैरिंग लूप का कैपिटल एम होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो करंट जनरेट कर रहा है, छोटा कर रहा है, कम कर रहा है, और कुछ तो कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और करंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका कैपिटल एम क्या होगा? तो अगला टॉपिक यही है, मैग्नेटिक डायपोल किसका निकालना है, कैपिटल एम की वैल्यू, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम किसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट मार्क करो, आएगा पेपर में, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से अपने ऑर्बिट के अंदर घूमता है, तो उसका डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, करंट इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रॉन करंट कितना जनरेट करता है, चार्ज बाय टाइम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और टाइम पीरियड क्या है, टी। इलेक्ट्रॉन एक चक्कर कितनी देर में काटता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 2 पाई आर बाय वी। इस टी को, टी की वैल्यू को यहां पुट कर दिया तो करंट आ गया, ठीक, ई बाय टी, टी की जगह पुट कर दिया, करंट आ गया, और करंट इनटू एरिया क्या होता है, कैपिटल एम। करंट की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, आर से आर, पाई से पाई कैंसिल, आंसर बॉक्स में डालो, ई वी आर बाय टू, कैपिटल एम का फॉर्मूला इज ई वी आर बाय टू, राइट। कभी कभी एनसीईआरटी वाले ये डेरिवेशन पूछ लेते हैं, प्रूव करो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ई वी आर बाय टू होता है, लेकिन कभी कभी कहते हैं, ये दो नंबर में पूछते हैं, कभी कभी तीन नंबर में पूछ देते हैं, फाइंड कैपिटल एम फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहां तक नहीं करना, अगर वो यहां तक पूछता है फिर तो यहां तक छोड़ दो, अगर वो नहीं पूछता इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। ई वी आर बाय टू के आगे क्या करना है, एक टॉपिक रोटेशनल मोशन में किया था, और कौन सा टॉपिक था, एंगुलर मोमेंटम। जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है, कोई भी मास अगर सर्कल में घूमता है इन अ रेडियस ऑफ आर, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। आई का फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ओमेगा का मतलब वी बाय आर, तो आंसर क्या आएगा, एम वी आर। अगर आपको याद हो तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। क्लियर है यहां तक? तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। तो एक काम करते हैं, यहां से वी इंटू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। हमने कैपिटल एम निकाला हुआ है ई वी आर बाय टू, तो इस वी आर को उठा के यहां पुट कर दें, तो जब वी आर को उठा के यहां पुट करेंगे, ये वी आर आ गया, इस वी आर को यहां पुट करेंगे तो कैपिटल एम की वैल्यू आ गई। ठीक है यहां तक? तो ई बाय टू इंटू ये वी की वैल्यू एल बाय एम, कैपिटल एम आ गया। यहां तक नहीं रुकना, आपने एक स्टेप और करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में m इज अ वेक्टर, l इज अ वेक्टर, तो साइन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, ध्यान से देखो, हमने रोटेशनल मोशन में
एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालनी सीखी थी, मुझे नहीं पता आपको कितनी की याद है, पर सीखी थी। तो कैपिटल एल की डायरेक्शन कैसे निकलती है, कैपिटल एल और टॉर्क की डायरेक्शन एक जैसी होती है रोटेशनल मोशन में, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, डीएल बाई डीटी, तो जहां एल होता है वहीं टॉर्क होता है। और टॉर्क कैसे निकलता है, मैंने एग्जांपल दिया था, अगर ये टायर है और बीच में रॉड है, टायर को आपने जोर की घुमा दिया तो टायर जोर जोर की घूमेगा, अपनी जगह पे नहीं घूमेगा, या तो इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें टॉर्क जनरेट होता है जिसको आगे पीछे लेके जाता है। इवन मैंने आपको ये प्लस वन में एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं, कि एक हेलीकॉप्टर, वो बच्चे खेलते हैं इस तरीके से घुमाते हैं, तो उसके पंख अगर ऐसे घूमते हैं तो हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा, उल्टा घूमेगा तो नीचे आता है। क्यों, क्योंकि जब आप इस तरीके से घुमा रहे हो तो उसके पंख ऐसे घूम रहे हैं, ये रहे। तो टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का तरीका, जिस डायरेक्शन में पंख घूम रहे हैं, फिंगर्स को घुमा दो, थंब कहां पर है, ऊपर, तो हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा, और अगर उल्टा घुमाओगे तो हेलीकॉप्टर नीचे आएगा। तो इसलिए किसी भी चीज को उड़ाना है तो उसके पंख को ऐसे घुमाना पड़ेगा, राइट। यही एल वेक्टर है, यही टॉर्क वेक्टर है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। अब इसके अंदर देखें, ध्यान से आंसर देना, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो बोलो इसका टॉर्क कहां होगा, ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन स्पीड ऐसे है, टॉर्क ऐसे है, तो एल वेक्टर भी ऊपर है, राइट। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो चार फिंगर ऐसे घुमा दो। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट कैसे घूम रहा होगा, उल्टा घूम रहा होगा। करंट ऐसे घूम रहा है तो कैपिटल एम की डायरेक्शन कैसे निकलती है, करंट के साथ, करंट के साथ जाएगा तो कैपिटल एम कहां आएगा, नीचे। तो मोशन के साथ जाओगे, वेलोसिटी के साथ जाओगे तो एल वेक्टर, और करंट के साथ जाओगे तो एम वेक्टर। तो आपने नोट किया एल वेक्टर एम वेक्टर में डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए साइन क्या लगा, माइनस। आपने वेक्टर फॉर्म यहां तक करके आना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो एल वेक्टर और एम वेक्टर में डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे, अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट का होगा ये थोड़ी ना पता है, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट का होगा, वो nth ऑर्बिट का होगा। तो और हमने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऑर्बिट में वो क्या होता है, nh by 2 pi। तो आप इस l की जगह पुट कर सकते हो nh by 2 pi, m की वैल्यू आ गई। आपने यहां तक करके आना है, इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट ये है, एग्जैक्टली, ठीक। यहां तक कोई डाउट इसमें, ठीक। सो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता, मान लो हाइड्रोजन का होता और ऑर्बिट नंबर वन का होता, तो एन की जगह वन, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या निकलता, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एन इज इक्वल टू वन, तो एन की जगह वन पुट करेंगे, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब पता है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय म्यू, और एक ही बात है, कैपिटल एम को म्यू से भी कई बुक्स रिप्रेजेंट करती हैं, तो कैपिटल एम की जगह म्यू भी चलता है। तो ये डायपोल मोमेंट किसका निकला, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, इसका स्पेशल नाम दिया जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, और इसको क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो बोहर्स मैग्नेट्रॉन एग्जैक्टली कैपिटल एम ही होता है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, तो बोहर्स मैग्नेट्रॉन आ गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट, थ्योरी है कुछ सब्सटेंसेस की, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, क्या थ्योरी है, थ्योरी है, इसको देखते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या थ्योरी फॉलो करती हैं, ठीक। तो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर यह समझाया जाता है, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज अ कंप्लीट मैग्नेट इन इटसेल्फ। वो कह रहा है, अगर आप कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हो, जब मैं बोलता हूं मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो माइंड में आता है वो है फेरो मैग्नेटिक, क्योंकि फेरो लोहा सबसे ज्यादा मैग्नेटिक सब्सटेंस माना जाता है। तो ये तो फेरो मैग्नेटिक है, तो
फेरोमैग्नेटिक, अब देखो लोहे का पीस की नेचर क्या है, अगर आप उसके मॉलिक्यूल्स या एटम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो उसके एटम्स, ये लोहे का पीस है, चाहे मैग्नेटाइज हो चाहे ना हो, लोहे का पीस ही ले लो, अंदर जितने भी एटम आपको दिखेंगे उसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट जरूर होगा। ये एरो का मतलब है डायपोल मोमेंट है, क्यों है? क्योंकि अभी अभी टॉपिक पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है, एक एटम के ऑर्बिट में घूमता है तो कैपिटल एम जनरेट करता है। तो देखो कैपिटल एम है तो एरो रिप्रेजेंट कैपिटल एम, और जिन भी एटम का कैपिटल एम होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब दे एक्ट लाइक अ मैग्नेट। तो हर एटम मैग्नेट ही मैग्नेट है, तो अगर 1 करोड़ एटम्स है तो 1 करोड़ मैग्नेट्स हैं लोहे के पीस के अंदर। तो फिर मजे की बात है, लोहा लोहा क्यों है, फिर चीजों को खींच क्यों नहीं लेता? क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो दूसरे के साथ वेक्टर फॉर्म में कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सभी एटम्स का क्या आता है, 0। चाहे करोड़ों एटम्स हैं, सारे अपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर बैठते हैं। लेकिन अगर इस लोहे के पीस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें बाहर से, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि सारे के सारे एटम्स एक ही तरफ अलाइन हो जाएंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक तरफ हो जाएगा, सच दैट सबके नॉर्थ एक तरफ, सबके साउथ एक तरफ, ऐसे। तो सबका कैपिटल एम ऐड हो जाएगा, और ऑब्वियसली सोचो छोटे छोटे एटम का जब कैपिटल एम ऐड होगा तो इट विल एक्ट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तभी तो लोहा अगर मैग्नेट बन जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि एक बार ओरिएंटेशन ऐसी हो जाती है फिर वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर नहीं होती, लोहे का पीस ही है। तो इसमें यही बताया हुआ है, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई लोहा लो, एल्यूमिनियम लो, कुछ भी लो, उनके एटम या मॉलिक्यूल खुद एक मैग्नेट हैं। दूसरा, अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस, अभी वो मैग्नेट नहीं बना, किसी भी अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस में ये डायपोल मोमेंट क्या होते हैं, रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और ये चेन्स इन्होंने बनाया होता है। चेन्स का मतलब है इस तरीके से ओरिएंट होते हैं कि इनका नेट डायपोल मोमेंट आपस में क्या करता जाता है, कैंसल। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या जाता है, 0। नेट मैग्नेटिज्म भी क्या जाता है, 0। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं इन्हें मैग्नेटाइज करूं, ये मैंने इनको मैग्नेटाइज किया तो सारे एक तरफ ओरिएंट हो जाते हैं और सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है। और आखिरी प्रॉपर्टी है, ऑन हीटिंग, अगर आप गर्म करते हो ऐसे सब्सटेंस को, गर्म करने से ये एटम एनर्जी लेगा और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, तो गर्म करने से मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की बढ़ती नहीं है, हमेशा कम ही होती है। तो हीटिंग करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें क्लियर है? तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम बात करते हैं बार मैग्नेट का, हमने कर लिया। बार मैग्नेट के केस में साउथ नॉर्थ, एम एम पोल स्ट्रेंथ, और डायपोल मोमेंट के लिए ये लेंथ कितनी है, 12। डायपोल मोमेंट कैपिटल एम की डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो एम इज एम इंटू 12, और इसमें स्मॉल एम कई बार आ जाता है, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स निकालो। कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एम इंटू कितना, 12। मुझे इसके यूनिट्स निकालने हैं पोल स्ट्रेंथ के, 2L के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर। इसके यूनिट निकाल लेते हैं, इसका एक और फॉर्मूला मुझे आता है, करंट इनटू एरिया। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू मीटर का स्क्वायर, तो यहां पर पुट कर दो एम्पियर इनटू मीटर का स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, स्मॉल एम क्या आएगा, एम्पियर इनटू मीटर। कोई डाउट इसमें? मैंने कई ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है एनसीईआरटी में ज़्यादातर 1 नंबर में, क्योंकि कई लोगों को शॉर्टकट मारने की आदत है, वो इसकी जगह एम लिख लेते हैं। अब पहले 2 एम से परेशान हो, तीसरा एक मीटर का एम लगा लो, और कहीं ना कहीं एम से एम कट कर बैठोगे, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मीटर ही पुट कर लो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले ही दो यार बनाने वाले ने सिंबल ही एम एम ली रखा है, तीसरा मीटर ही पुट करना। पॉइंट समझ में आ रहा है, एम्पियर मीटर इसके यूनिट्स हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड
ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक क्या हुआ है? एक्सियल लाइन सुना हुआ है, ये वही है, बिल्कुल सेम है। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सियल लाइन, देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है और ये R है, और अगर मैं कहूं यहां पर मुझे E निकाल के दो, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा Q2, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R square divided by Q2 answer। उसी तरीके से अगर दो पोल स्ट्रेंथ्स गिवन है और मैं आपको यहां पर B निकालने को कहूं तो फोर्स डिवाइडेड बाय क्या बोलो M2, तो बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय R square डिवाइडेड बाय M2 आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सेम ही तो है, तुमने बोला सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ठीक है। यहां तक शॉर्टकट बनाया था हमने, अगर Q चार्ज है R दूरी पे क्या निकालना है E निकालना है, तो क्या इमेजिन करते थे टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आंसर क्या आता था Q बाय R स्क्वायर, ये शॉर्टकट था, इसमें शॉर्टकट बनाओ। अगर ये M है R डिस्टेंस पे B निकालना है, अब यूनिट पॉजिटिव क्या ले, चार्ज तो ले नहीं सकते, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ, तो एक इमेजिन करेंगे, मैंने कहा नहीं एग्जिस्ट करता है, टेस्ट पोल टेस्ट चार्ज टेस्ट पोल इमेजिनेशन, और कौन सा प्लस स्टैंड फॉर नॉर्थ, तो इमेजिन करते हैं यहां पर एक पोल स्ट्रेंथ वन
का एक पोल पड़ा हुआ है नॉर्थ पोल, इमेजिन कर रहे हैं अकेला वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, सच दैट बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो काम उसमें प्लस वन करता है वही काम इसमें प्लस वन करेगा, बस प्लस का मतलब यहां पर नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब मैं लगा के दिखाता हूं इस रिजल्ट को। देखो सपोज एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन के ऊपर एक मैग्नेट है, ये एम एंड एम क्लियर है, 12 क्लियर है, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, आर दूरी पे बी निकालना है, जहां बी निकालना है इमेजिन करेंगे प्लस वन, तो जहां पी लिखा हुआ है उसके नीचे लिखो प्लस वन, प्लस का मतलब ब्रैकेट में लिखना नॉर्थ, तो आपने इमेजिन करना है यहां पर कौन सा पोल पड़ा हुआ है नॉर्थ, और जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है वन, बना लो इसमें बुकलेट में। ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक लिख लो, नहीं है वैसे प्लस का मतलब आपको याद आ जाए कि नॉर्थ है, नहीं साउथ ना लिख लो इसलिए, वैसे वन है, पोल स्ट्रेंथ वन है, तो नॉर्थ प्लस मींस नॉर्थ है। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो इधर देखना प्लीज, ये नॉर्थ मेरे इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, तो बी राइट, तो बी का फॉर्मूला बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्या स्टेप क्लियर है? उसी तरीके से ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बी वन बड़ा कि बी टू बड़ा, बी वन क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, तो नेट आंसर क्या आएगा बी वन माइनस बी टू, वैल्यूज को माइनस करो कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के आपके पास ये टर्म आएगी, इसको सॉल्व करो, ये टर्म आएगी, 4 को ब्रेक करो, 2 इंटू 2 स्मॉल एम इंटू 12 क्या होता है कैपिटल एम, शॉर्ट डायपोल के लिए एल छोटा होता है आर बड़ा है, तो एल को निगलेक्ट कर दो, आर से आर रेज टू पावर 4 कैंसल, आर क्यूब। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक में क्या आंसर आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाय आर क्यूब, यहां पी की जगह कैपिटल एम, सेम है, सही बोला, पॉइंट क्लियर है, पर सेम टू सेम करने के लिए भी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कि क्या सेम करना है क्या नहीं सेम करना, इसलिए करके दिखा रहा हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वैसी असाइनमेंट मैंने कैसे टाइप नहीं की, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर कॉपी पेस्ट किया और रिप्लेसमेंट की, सारे स्टेप सेम मिलेंगे आपको, ई की जगह बी कर दिया मैंने, इसमें स्मॉल कैपिटल एम की जगह पी की जगह कैपिटल एम कर दिया और कॉन्स्टेंट भी चेंज कर दिया, बाकी सारे स्टेप्स सेम कर दिए। क्लियर है? तो अगर जिनको दिक्कत है वो भी रिप्लेसमेंट कर दें, बस कॉपी पेस्ट, आंसर सेम है। ठीक, पर ये तो पता हो ना कि किसमें क्या कॉपी करना है। आगे अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन की बात करता हूं, इक्वेटोरियल लाइन में काम करना, ये एक मैग्नेट है, या मैग्नेट बनाओ प्लीज, बार मैग्नेट बनाओ इसकी जगह, ये बार मैग्नेट है, थोड़ी थिक बनाओ बार मैग्नेट, तो देखो ये एक बार मैग्नेट है और यहां पर लिखो स्मॉल एम, स्मॉल एम इसके नीचे स्मॉल एम एंड स्मॉल एम, मतलब पोल स्ट्रेंथ सेम है स्मॉल एम एंड स्मॉल एम। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, एल और एल हो गया और ये डिस्टेंस डी हो गया। अब ये बताओ जहां हमने बी निकालना है वहां चार्ज नहीं, वहां पोल नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ वन, ठीक, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा बी वन, वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, और ऐसे ही ये साउथ नॉर्थ को क्या करेगा अट्रैक्ट, वैल्यू भी सेम वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड में, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग थीटा थीटा ऑल्टरनेट, बी वन के कॉम्पोनेंट बी साइन बी
कॉस, ऐसी बी टू के बी टू कॉस बी टू साइन, क्योंकि बी वन बी टू का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसल, नेट आंसर क्या आएगा 2b cos थीटा। b की जगह वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर सॉल्व करके निकाली थी, cos थीटा पुट कर लें, l डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे 3 बाय 2, m इंटू 12 क्या होगा कैपिटल m, ठीक। और शॉर्ट डायपोल के लिए एक बार फिर से l को निग्लेक्ट कर दो, तो शॉर्ट डायपोल के लिए l को निग्लेक्ट कर दो तो डी स्क्वायर रेस टू पावर क्या आएगा 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, डी क्यूब, ये रहा सेम आंसर, नहीं है वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 नहीं p बाई आर क्यूब, इसमें m बाई आर क्यूब, m बाई डी क्यूब, बिल्कुल सेम है, सही बोला था, ठीक है यहाँ तक। इतना सेम है कि अगर आप एक्सियल लाइन में नोट करें कैपिटल m की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ, और नेट एक्सियल भी कहाँ है राइट, दोनों की डायरेक्शन एक्सियल में सेम है, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी डिस्कस किया था। उसी तरीके से इक्वेटोरियल में क्या होता है, कैपिटल एम इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नेट इस तरफ है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इतना सेम है कि एट एनी पॉइंट, याद है एट एनी पॉइंट ई निकाला करते थे, एट एनी पॉइंट थीटा पे ई निकलेगा, क्या निकलता था ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल, बी एक्सियल बी इक्वेटोरियल, ये एक्सियल के फॉर्मूले के साथ चलेगा और वो इक्वेटोरियल, उसमें क्या लगता था 2p cos थीटा, इसमें 2m cos, बिल्कुल सेम है, और नेट आंसर क्या आता था अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, बिल्कुल सेम है, p की जगह m रिप्लेस कर देना, और यहां पर tan alpha is equal to b2 by b1, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो इतना सेम है आपको समझ में आ गया कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। अगर मैं ऐसे छोड़ देता तो आपको पढ़ना पड़ता है एक घंटा कि क्या क्या चीज चल रही है, अब कम से कम 10 मिनट में क्लियर हो गया कि कुछ ज्यादा ही सेम है। इतना सेम है कि एक और फॉर्मूला इसमें नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे टॉर्क वाला, वो भी ऐसे ही बन जाएगा बिना पढ़े, देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज हो गया आपका, देखो इसके अंदर रिजल्ट कैसे यूज होंगे ध्यान से देख लेना प्लीज। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ई का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो फोर्स क्या होगा चार्ज इनटू ई, मैग्नेटिक में ई की जगह बी, फोर्स डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ, तो फोर्स क्या होगा एम इनटू बी, ठीक है यहां तक। तो एक पोल, अगर पोल स्ट्रेंथ एम का मैग्नेटिक फील्ड बी में पड़ा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो क्वेश्चन ये है कि एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड बी में पड़ी हुई है, तो ये पोल स्ट्रेंथ एम है और एम है, थीटा एंगल पे पड़ी हुई है, तो ये नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड बाय साउथ, ये ऐसे आने की कोशिश करेगा और ये ऐसे जाने की, तो टॉर्क जनरेट होगा और ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, इस पे फोर्स क्या लगेगी, क्यू ई नहीं, क्यू ई की जगह एम बी, वरा बोर्ड पे एम बी, और ऐसे यहां पर भी एम इंटू बी, चार्ज की जगह एम, ई की जगह बी, तो कपल बन गया। टॉर्क क्या होगा एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसमें 12 साइन थीटा, वही सेम एम बी इंटू 12 साइन थीटा, एम इंटू 12 क्या होता है कैपिटल एम, कैपिटल एम क्रॉस पी, उसमें क्या आया था पी क्रॉस ई, सेम है रिप्लेसमेंट है, क्या है पॉइंट क्लियर है। और लास्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अगर ये मैग्नेट को मैं इक्विलिब्रियम से घुमा के ऐसे ले आऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन होने की कोशिश करेगी, तो जब मैं इसको हिलाऊंगा अपने इक्विलिब्रियम से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, रिलीज करूंगा तो वापस आएगी बिकॉज में एनर्जी स्टोर्ड है। मैंने कितना वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह टॉर्क डी थीटा, टॉर्क क्या है एम बी साइन थीटा, थीटा वन से थीटा टू, सेम रिजल्ट आएगा उसमें पी इसमें एम बी, और एक स्पेशल केस भी था अगर थीटा 90 और जीरो, 90 और थीटा, तो रिजल्ट आया था उसमें आया था माइनस पी डॉट ई, इसमें क्या आया माइनस एम डॉट पी। तो ये चैप्टर भी आपका क्लोज होता है, ठीक। क्वेश्चन में एक सब्जेक्टिव शीट दिया आपको, नंबर बोलना जरा प्लीज, इसी के ऊपर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, 23 का फर्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल शॉर्ट मैग्नेट्स. टू आइडेंटिकल शॉर्ट मैग्नेट्स ये रही, और सपोज ये कोई भी पोल ले लो साउथ एंड नॉर्थ, और एक और बार मैग्नेट है सेम ये रही, सच दैट दिस इज अगेन साउथ एंड नॉर्थ. इसका कैपिटल एम गिवन है 12.5, इसका भी डायपोल मोमेंट कितना गिवन है 12.5, ये गिवन है. आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ये इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस, इनके सेंटर में जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर. दोनों सेंटर में डिस्टेंस कितने हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है यहां तक. और इसके अंदर जो आपको बी निकालना है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे निकालना है. मिड पॉइंट पे बी क्या होगा, आपको बी क्या निकालना है, इसके मिड पॉइंट पे निकालना है. कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक. मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस यहां से यहां कितने सेंटीमीटर 5, और ये डिस्टेंस भी कितना 5, ठीक. अब मुझे एक बात बताओ, पोल जैसे मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है, कैपिटल एम की डायरेक्शन कहां है टुवर्ड्स राइट, और ये पॉइंट इस मैग्नेट के लिए क्या ऐड करेगी, लाइक कौन सा पॉइंट, एक्सियल का पॉइंट है एक्सिस. तो यानी कि जिस डायरेक्शन में कैपिटल एम है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, बी एक्सियल, क्योंकि एम एंड एक्सियल आर इन सेम डायरेक्शन, तो बी एक्सियल. उसी तरीके से इसमें कैपिटल एम कहां लगेगा, नीचे, तो ये पॉइंट इसके लिए क्या करेगा, इक्वेटोरियल. तो कैपिटल बी कहां एक्ट करेगा, बी इक्वेटोरियल ऑपोजिट ऊपर, ठीक है यहां तक. बी ऑफ एक्सियल की वैल्यू या मैग्नीट्यूड क्या आएगा, फॉर्मूला बोलो शॉर्ट डायपोल के लिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब. r का मतलब यहां पर 5 है और कैपिटल m का मतलब 12.5 है. उसी तरीके से b इक्वेटोरियल क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r, सिर्फ m, दैट्स इट, बस 2 नहीं आएगा, ठीक. नेट आंसर क्या आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम, अंडर रूट ऑफ b एक्सियल प्लस b इक्वेटोरियल. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. तो इसमें बी एक्सियल बी इक्वेटोरियल इनका वेक्टर सम. और अगर डायरेक्शन निकालनी है तो एंगल थीटा ले लेना, तो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय बी एक्सियल. एंगल निकालना है तो एंगल कैन बी कैलकुलेटेड. कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक. हाँ जी, ठीक है यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखना प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन तभी अभी क्वेश्चन नंबर टू में बोलो क्या गिवन है. पोल स्ट्रेंथ क्या गिवन है, स्मॉल एम गिवन है. पोल्स कितने सेंटीमीटर अपार्ट हैं,
25, तो ये क्या गिवन है, 2L गिवन है डायपोल में, 2L क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या करेंगे m इंटू 2L, ठीक। और बी पार्ट में क्या निकालना है, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है एम बी साइन 30, एम निकाल के पुट आंसर। तो मैं सिर्फ ये वैल्यू इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको रिकॉग्नाइज हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करना है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं। लाइक का मतलब इमेजिन कर लेते हैं दोनों नॉर्थ हैं, जिसमें पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m कितने गिवन है 25 और दूसरे की पोल स्ट्रेंथ कितनी गिवन है 64, 1 मीटर अपार्ट है। आपको पॉइंट ढूंढना है इस लाइन पे, मान लो ये वो पॉइंट है, ये रहा वो पॉइंट जहां पर नेट b क्या हो जाए 0। अब जहां b ढूंढना है वहां क्या इमेजिन करना है, कौन सा पोल है नॉर्थ, ठीक। अब ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा रिपेल, तो कितना बी लगाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 25 इनटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा रिपेल म्यू नॉट बाय 4 पाई 64 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप चाहते हो नेट बी 0 हो जाए इन्हें इक्वेट कर दे, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें ई को इक्वेट करते हैं इसको बी को करते हैं। तो एटलीस्ट ये स्टेटमेंट से आपको बात समझ में आ रही है कि इसमें क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 75 का प्रिंट आउट लेंगे, 75 ये आपको मिली होगी, चेक करो। इकट्ठी हैं, इकट्ठी वो कर रखी हैं, है ना, देखो नहीं है, कितनों को नहीं मिली, ठीक है जाते प्रिंट आउट ले लेना 2 मिनट, लास्ट में लास्ट पेज अटैच होगा। हाँ तो देखो इसमें इस पूरी शीट में सिर्फ एक ही चीज काम की है, जो मुझे दो चीजें काम की है रादर, बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, मतलब आपने सीधा इस पे आना है डायग्राम पे, ये एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ एल है, आपने इमेजिन करना है कि हर एक लूप इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, तो ये छोटी 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 मैग्नेट्स हैं। तो अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, नहीं अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इसके अंदर ये साउथ है ये नॉर्थ है, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ एंड सो ऑन। और फिर आपने ये ज्यूम कर लेना है ये छोटी छोटी मैग्नेट एक बड़ी मैग्नेट के इक्वल है साउथ एंड नॉर्थ, तो जिसकी लेंथ कितनी है जितनी सोलेनोइड है। तो एक पूरा सोलेनोइड का क्वेश्चन कंपेयर करके किया जा सकता है विद अ बार मैग्नेट, वो कैसे करना है मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। एक तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं है इस पूरे 2 पेजेस में, ये तो हो ही गया, उल्टा भी ट्रू है, सोलेनोइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोलेनोइड, ठीक। नेक्स्ट गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म में कैसे लगती है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसे लगती थी, अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स में डायपोल के लिए ऊपर लगाएं, डायपोल का मतलब है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू क्लोज बॉडी के अंदर पड़ी हुई है, तो अगर मैं ये पूछूं कि इसमें नेट ई क्या होगा और गॉस थ्योरम लगाओ, गॉस थ्योरम में नेट चार्ज क्या आ जाएगा इनसाइड अ क्लोज बॉडी 0, तो ई डॉट डीएस क्या आएगा 0। फिर वो कहता है मैग्नेटिज्म में लगाते हैं, मैग्नेटिज्म में क्या लेंगे पोल स्ट्रेंथ, पर प्रॉब्लम ये है कि पोल स्ट्रेंथ अकेली एग्जिस्ट करती नहीं है, तो पोल स्ट्रेंथ तो दो ही होंगी और वो भी साउथ एंड नॉर्थ की होंगी, तो दो पोल्स होने चाहिए। और फिर से वही बात, अगर मैं नेट इसका बी डॉट डीएस निकालूंगा तो गारंटेड आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि जब जब बात बी की होगी
बी में दो पोल्स तो पक्का होंगे क्योंकि चार्ज में तो सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, पर दो पोल सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट करता नहीं. तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बी डॉट डी एस फॉर अ क्लोज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. इसमें आंसर नहीं आता, इसमें जीरो आता है. और इसके क्या इसने कंक्लूजन निकाले गॉस थ्योरम ने, ये निकाला पहला पॉइंट कि आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बी डॉट डी एस आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक नॉर्थ है एक साउथ है. दूसरा पॉइंट कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा अनलाइक और इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ विद द सेम पोल स्ट्रेंथ, तभी आंसर जीरो आएगा. और तीसरा कि जितनी लाइंस एक एरिया में एंटर करती हैं उतनी लाइंस एरिया से बाहर भी निकलती हैं, तभी नेट फ्लक्स क्या आएगा जीरो. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक?